Good evening, students. Let's start the session. The first word is solicitous. It is basically adjective. When you are extremely careful about something, when you are concerned about something, then we use this word solicitous. It means showing interest or concern to someone. The first meaning is being very concerned for somebody and wanting to make sure that they are comfortable, well, or happy. Second meaning is showing care and helpful attention to someone. Sentences are, she was very solicitous for our welfare. Second, hamare paas, he made a solicitous inquiry after her health. It means considerate, interested, or you can say that when you are thoughtful about something, anxious. Ye word bhi humne pehle discuss kiya tha, anxious. आप वरीड होते हैं, कंसर्न होते हैं, किसी चीज को लेके बहुत एक्साइटेड होते हैं, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट वाले जो चीज आपके लिए इंटरेस्ट क्रिएट कर रही होती है, उसके लिए आप ये वर्ड यूज करते हैं सोलिसिटस. सिनोनिम्स है हमारे पास अटेंटिव, मदरली, कंसर्न, केयरिंग, अटेंटिव, और यू कैन से दैट कंसिडरेट, वरीड, इन सच अ वे यू कैन यूज इट. एंटोनिम्स आर अनवरीड, हीडलेस. The next one is stagnation. हमारे पास एक word है stagnant, stagnation. जितने भी शन वाले words होते हैं ना, 90% chance होता है कि वो noun होंगे. कुछ होते हैं words जो नहीं होते, लेकिन stagnation जिनके end पे शन की sound आती है, तो उसको आपने याद रखना है कि वो noun होंगे most of the time. Stagnation क्या है? Basically किसी चीज का, जैसे हम कहते हैं business जो है recession period में चला गया है, रुक जाना किसी चीज का. आप जैसे कहते हैं स्टॉक मार्केट आज अच्छी नहीं चल रही, तो स्टैग्नेंट हो जाना, किसी चीज का एक जगह पे स्टक हो जाना. फर्स्ट मीनिंग है द फैक्ट ऑफ नो लॉन्गर डेवलपिंग और मेकिंग प्रोग्रेस, एंड द सेकंड इज द फैक्ट ऑफ नॉट मूविंग एंड देयरफॉर स्मेलिंग अनप्लेजेंट. थर्ड वन इज टू स्टे द सेम एंड नॉट ग्रो और डेवलप. कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही होती, कोई इकोनॉमिक ग्रोथ कुछ भी नहीं हो रहा होता, चीजें एक ही जगह पे स्टक हो जाती है. स्टैग्नेंट में क्या होता है, कोई चीज वीक हो जाती है, अनचेंज होता है, एक इनएक्टिविटी की, जिसे कहते हैं इनएक्टिवेशन हो जाना, इनएक्टिविटी की सिचुएशन हो जाना, इनएक्शन हो चुका है. डिफ्लेशन है, हमारे पास इन्फ्लेशन होता है जिसमें प्राइसेस बहुत बढ़ जाती हैं. एक होता है डिफ्लेशन जिसमें प्राइसेस तो ऐसा इंक्रीज नहीं हो रही होती, प्राइसेस डाउन होती है, लोगों की जो कैपेसिटी होती है ना परचेजिंग पावर, वो बहुत कम हो चुकी होती है. तो स्टैग्नेशन क्या है, किसी चीज का एक जगह पे रुक जाना. कंट्री इज इन अ पीरियड ऑफ इकोनॉमिक स्टैग्नेशन. आजकल जो मुल्क के हालात हैं उसमें क्या, इकोनॉमिक स्टैग्नेंट हो चुके होते हैं, हम एक जगह पे स्टक हो गए हैं, कोई इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा, तो वो क्या होगा, स्टैग्नेशन. माय म्यूजिक कैरियर हैज स्टैग्नेटेड. सिनोनिम्स है हमारे पास स्लगिशनेस. स्लगिश जो द वर्ड, इसको मैं चलो आपको थोड़ा सा बता देती हूँ. स्लगिश होता है कि कोई चीज आहिस्ता आहिस्ता कम होती है और फिर वो डिके की तरफ चली जाती है. स्लगिशनेस, इमूवेबल, अनचेंजिंग, वीकिंग, या आप कहते हैं डिप्रेशन फैल जाना सोसाइटी में, रिसेशन. एक हमारे पास बिजनेस साइकिल में बूम भी होता है, बहुत टॉप पे चले जाते हैं, फिर एक जो साइकिल चलता है उसमें एक साइकिल में एक पीरियड आता है रिसेशन. आप एक्सट्रीम, जिसे कहते हैं ना खत्म होने के लेवल के करीब होते हैं. इसी तरह किसी चीज का वीक हो जाना, डिसइंटीग्रेट कर जाना, रिसेशन, इंस्टेबिलिटी फैल जाना, कोई स्टेबिलिटी नहीं है सोसाइटी में, तो हम ये वर्ड यूज कर सकते हैं. एंटोनिम्स है हमारे पास बूम. बूम का मतलब होता है पीक पे होना, इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज्यादा हो रही होती है, टॉप परफॉर्मर होते हैं, राइज, अपसर्ज, इस तरह आप इसको यूज कर सकते हैं. द थर्ड वन इज स्टेडफास्ट. इट इज बेसिकली एडजेक्टिव. स्टेडफास्ट होता है कि आप अपने एटीट्यूड को चेंज नहीं करते, नॉट एटीट्यूड चेंजिंग इन योर एटीट्यूड और एम्स. आप अपने एम्स के लिए बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं, आप अपने, जिसे कहते हैं अपने इरादों पर पक्का होना. इसी तरह स्टेइंग द सेम फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड नॉट चेंजिंग क्विकली और अनएक्सपेक्टेडली. ग्रेट पर्सन्स रिफ्लेक्ट स्टेडफास्ट लॉयल्टी. द सेकंड इज द ग्रुप रिमेन स्टेडफास्ट इन इट्स सपोर्ट फॉर द न्यू सिस्टम. इसमें आप किसी चीज के लिए लॉयल होते हैं. हम लोग सम कॉमनली यूज करते हैं, कोई बंदा जो है कमिटेड है, अपनी बात को पूरा करता है, लॉयल है, फेथफुल है, हम उस पर डेडिकेट, आपकी काम बड़ी डेडिकेशन से करते हैं, तो उसके लिए भी ये वर्ड हम यूज कर सकते हैं. कोई डिपेंडेंट, डिपेंडेबल होता है या अनचेंजिंग,
ये भी आप यूज कर सकते हैं, इनफ्लेक्सिबल भी आप इसके लिए यूज कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती इस इंसान में, एक चीज के लिए बहुत ज्यादा कॉन्शियस होना, डिवोटेड होना, रिलायबल होना, उसमें चेंज नहीं आना, तो उसके लिए हम ये पर्सनैलिटी के साथ यूज करेंगे स्टेडफास्ट। सिनोनिम्स है हमारे पास इनफ्लेक्सिबल होना, स्ट्रॉन्ग हो जाना, स्टॉन्च हो जाना, इसके अलावा कॉन्स्टेंट किसी चीज का एक जैसा सेम रहना, उसके अलावा अनयील्डिंग, ये भी आप कह सकते हैं अनचेंजेबल। एंड द नेक्स्ट वन इज सबलाइम। सबलाइम इज आल्सो एडजेक्टिव। द फर्स्ट मीनिंग इज ऑफ वेरी हाई क्वालिटी और ग्रेट ब्यूटी। आप उसको ब्यूटी के लिए यूज कर सकते हैं, क्वालिटी के लिए यूज कर सकते हैं। प्लीज आप लोग अपने माइक जो है ना म्यूट कर दिया करें। सबलाइम ये वर्ड जो है हम डिस्कस करते हैं इसको क्वालिटी के साथ या ब्यूटी के साथ। एक वर्ड हमने डिस्कस किया था प्रीवियस 100 वर्ड्स में, उसमें था एग्जॉल्ट। आप किसी चीज की तारीफ कर रहे हैं एग्जॉल्ट, या आप जिसे कहते हैं उस चीज के लिए मैजेस्टिक होते हैं, जिसे हम कहते हैं ग्रेट, एक्सीलेंट, या समटाइम आउटस्टैंडिंग। कोई चीज बहुत एक्सट्रीम क्वालिटी की होती है, फैबुलस, फंटास्टिक, ये वर्ड्स हम यूज करते हैं, उसकी बजाय हम यूज कर सकते हैं सबलाइम। Extreme, especially in a way that shows they are not aware of what they are doing or are not concerned about what happens because of it. Third है हमारे पास extremely good हो सकता है, extremely beautiful हो सकता है, extremely enjoyable। आप किसी चीज को बहुत enjoy कर रहे हैं, जैसे blissful है, delightful, ये चीजें आप बहुत enjoy कर रहे हैं, तो आप इसके लिए word use कर सकते हैं sublime। इसको राइटिंग में कैसे यूज करना है वो आज मैं आपको पैराग्राफ लिख के दिखाती हूँ, फिर उसमें आप यूज कर सकते हैं। द लोकेशन ऑफ द होटल इज द लोकेशन ऑफ द होटल इज सबलाइम। जब आपको क्यू कार्ड रेस्टोरेंट या होटल क्लब इस तरह का कोई क्यू कार्ड लिखना पड़ता है या उसके बारे में आपको कोई बात करनी पड़ जाए, तो आपने क्या करना है वहाँ पे लोकेशन के बाद, जैसे आप कहते हैं ना कोई रेस्टोरेंट इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर ऑफ माई हाउस, अब ये बात कर रहे हैं वहाँ पे ये कह दें उसकी लोकेशन के बारे में कि वो बहुत सबलाइम है। एक वर्ड हमने डिस्कस किया था इडलिक, इडलिक एक्सपीरियंस, एमिकेबल या ब्रांच एम्बियंस, ये भी इन्वायरमेंट है किसी चीज का, रेस्टोरेंट का एम्बियंस होता है, तो वो बहुत ज्यादा सबलाइम है, उसकी लोकेशन बहुत इडलिक है, पीसफुल है किसी चीज का होना। सेकेंड है हमारे पास द फीस्ट हैज अ सबलाइम कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लेवर्स। द थर्ड वन इज द बुक हैज सबलाइम डिस्क्रिप्टिव पैसेजेस। इट मीन्स समथिंग एक्सीलेंट, आउटस्टैंडिंग, और यू कैन से दैट ग्लोरियस, गॉर्जियस, स्प्लेंडेड, वंडरफुल, डिलाइटफुल, बहुत ज्यादा इसके लिए वर्ड्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं। एंटोनिम्स है ऑर्डिनरी, कोई आम सी चीज है, इंफीरियर, लो क्वालिटी का होना। लेट्स मेक अ पैराग्राफ। अगर हम आजकल अपनी इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में बात करें, उसके बारे में लिखें, तो हम क्या लिखेंगे? इन रनिंग डेज आजकल क्या हो रहा है? अ सडन अपसर्ज इन oil, or you can say that fuel prices induces a stagnation period for the economy because ये हम लोग कोऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज कर रहे हैं बिकॉज, ये आपने उसको सेंटेंस को क्या किया, लिंक किया बिकॉज, ये यूज करके बिकॉज ऑफ द डेवास्टेटिंग इकोनॉमिक कंडीशंस और सब्सटेंशियल नंबर ऑफ डोनर्स, जो लोग डोनेट कर रहे थे, लोगों को चैरिटी दे रहे थे, वेरी सोलिसिटस, बहुत ज्यादा कंसर्न थे, वेरी सोलिसिटस फॉर पब्लिक वेलफेयर एंड पोजेसिंग सबलाइम सेल्फ कॉन्फिडेंस have been unable to remain steadfast in their charitable pledges.
ये हमने अपने फोर वर्ड्स को यूज किया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने किस तरह यूज किया है। आजकल क्या हो रहा है, फ्यूल प्राइसेस बहुत फ्लक्चुएट कर रही हैं। सडन अप सर्ज इन फ्यूल प्राइसेस क्या किया, इंड्यूस पैदा कर दिया है, एक स्टेग्नेशन पीरियड है इकोनॉमी के लिए, क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। तो आप ये चीज समझे कि ये नहीं है, ये इनक्लोजिंग डिटेल है। इनक्लोजिंग डिटेल का जो अलहदा से लेक्चर होगा उसमें हम ये चीज डिस्कस करेंगे कि किस तरह मैंने ये चीज इसमें लिखी। हम ईएम डैशेस कॉमा सेमी कॉमा सेमी कॉलन कॉलन को यूज करते हुए किस तरह इसको यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने देखें, अ सब्सटेंशियल नंबर ऑफ डोनर्स हैव बीन अनएबल टू रिमेन स्टेडफास्ट इन देयर चैरिटेबल प्लजेस। अब यहाँ पे अगर इस चीज को हम काट देना, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, तो ये मीनिंग दे रहा है। अगर मैं वो चीज दोबारा लिख दूं तो ये क्या है, डोनर्स के बारे में मैंने इनक्लोजिंग डिटेल ऐड कर दी है। अब फर्स्ट वर्ड हमने डिस्कस किया था स्टेग्नेशन, सेकंड वर्ड हमने डिस्कस किया था डेवास्टेटिंग सब्सटेंशियल डोनर्स वेरी सोलिसिटस, थर्ड वर्ड था सबलाइन। आप किसी व्यू के बारे में भी बात कर सकते हैं, द व्यू वाज वेरी सबलाइन, बहुत अट्रैक्टिव था, बहुत अच्छा था, उसके लिए भी आप यूज कर सकते हैं। फोर्थ वर्ड हमने डिस्कस किया स्टेडफास्ट, ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा लॉयल होते हैं अपने काम के लिए, बहुत ज्यादा कंसर्न होते हैं अपनी काम के, जिसे कहते हैं एक चीज पे साबित कदम रहना, लॉयलिटी उनमें बहुत ज्यादा होती है, कॉन्स्टेंट होते हैं, रिलायबल होते हैं अपने लिए, तो उनके लिए आप ये यूज कर सकते हैं कि आजकल मुल्क के हालात खराब हैं, फ्यूल प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं, तो इकोनॉमी एक जगह पे स्टक हो गया है, लोगों के पास पैसा नहीं है, इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो गया है। तो वो लोग जो चैरिटी करते थे, क्योंकि चैरिटी क्यों करते थे, वो पब्लिक वेलफेयर के लिए कॉन्शियस थे, और उनके जो सबलाइम सेल्फ कॉन्फिडेंस था उनमें, वो इस चीज के बारे में कॉन्सेंट्रेट पे करते थे कि हम लोग किस तरह अपनी पब्लिक के लिए अच्छा काम कर सकते हैं। वो लोग भी आजकल क्या हो गए हैं, अपनी बात पे कायम रहना उनके लिए मुश्किल हो गया है। हमारे पास प्लजिस का मतलब है प्रॉमिस, इसका मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, जो नए बच्चे हैं स्पेसिफिकली, प्रॉमिस वाउस और प्लज। अगर हम दोस्त आपस में, फ्रेंड्स आपस में, फैमिली आपस में कोई बात करते हैं, वो होगा प्रॉमिस। आप वहां पर वर्ड यूज करेंगे प्रॉमिस, ये बेसिकली कॉन्टेक्स्ट की बात करें। अगर आप रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ लिख रहे हैं तो वहां आपने वाउस का वर्ड यूज करना, तीनों का मतलब है वादा करना। जैसे गाजी अब्दुल रशीद और उनके कंपेनियंस ने वाउस प्रॉमिस किया कि हम अपनी जान दे देंगे लेकिन अपने दीन के लिए साबित कदम रहेंगे, तो वहां पे आप क्या यूज करेंगे, वाउस इंस्टेड ऑफ यूज प्रॉमिस। प्रॉमिस आप डेली बेसिस पे जब बात करते हैं वहां पे यूज करेंगे, लेकिन जब आप बात करते हैं अथॉरिटीज की, जब आपने अथॉरिटीज के बारे में लिखना है, तो वहां पे आप प्लज का वर्ड यूज करेंगे। वहां आप प्रॉमिस लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, वाउज लिखेंगे तो गलत होगा, एग्जामिनर को पता चल जाएगा, किस बच्चे को नहीं पता कि किस कॉन्टेक्स्ट में कौन सा वर्ड यूज करते हैं, लैक ऑफ वोकैबुलरी है इसके पास। इस तरह आज हमने फर्स्ट वर्ड डिस्कस किया सोलिसिटस। सोलिसिटस बेसिकली एडजेक्टिव है, इसका क्या मतलब है, किसी चीज के लिए कंसर्न होना, केयर कर रहे होते हैं आप किसी के लिए, केयरिंग होना, अटेंटिव होना, या आप कह सकते हैं आप किसी के लिए बहुत ज्यादा कोई इंटरेस्ट ले रहा हो किसी चीज में, इंटरेस्टेड होना, या आप कह सकते हैं आप परेशान हो रहे हैं किसी चीज के लिए, आपको कॉमनली टेंशन होती है ना, आप अपनी पब्लिक की वेलफेयर के लिए, अपनी फैमिली के लिए आप सोच रहे हैं, आप क्या है सोलिसिटस, या आप थॉटफुल होते हैं, तो आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं। सेकेंड वर्ड जो आज हमने डिस्कस किया स्टेग्नेशन। स्टेग्नेशन का क्या मतलब है, कोई डिप्रेशन है सोसाइटी में, फैमिली में डिप्रेशन, रिसेशन। ये जो बिजनेस के स्टूडेंट है या लोग जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको इस चीज का पता होगा, रिसेशन में जब इकोनॉमिक पीरियड जो है वो रिसेशन में चला जाए, बिजनेसेस जो है वो रिसेशन में चले जाए, तो ग्रोथ काफी मुश्किल होती है, वो ऑलमोस्ट फेलियर की तरफ जा चुके होते हैं, खत्म होने के करीब होते हैं, वीकनिंग, या आप कह सकते हैं इनएक्टिविटी, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, कोई काम नहीं हो रहा, इंस्टेबिलिटी फैल चुकी है सोसाइटी में, कोई इसके अलावा हाइपर इन्फ्लेशन, जैसे आजकल पाकिस्तान की सिचुएशन है, हाइपर इन्फ्लेशन, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो चुकी है, रिसेशन में जा चुका हुआ है, ये आप इसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमने वर्ड डिस्कस किया स्टेडफास्ट। स्टेडफास्ट बेसिकली क्या है, आप किसी चीज के लिए लॉयल हैं, फेथफुल हैं, आप किसी के लिए कमिटेड होना, अब कॉमनली किस पर्सनैलिटीज होती हैं वो अपनी बात के लिए बहुत कमिटेड होते हैं, डिवोशन होती है, डिवोटेड होते हैं अपने काम के लिए, डेडिकेटेड होते हैं,
या आप कह सकते हैं रिलायबल, उनमें चेंज नहीं आता, अनचेंजिंग। इसके अलावा आप इम्प्लेकेबल, वो रहने दें, थोड़ा टफ वर्ड है। तो इसके अलावा आप कह सकते हैं डिटरमाइंड, आप अपने काम के लिए बहुत पुख्ता इरादा रखते हैं, वो लोग कौन से होते हैं, स्टेडफास्ट। लास्ट वन है सबलाइन। सबलाइन का मैंने आपको जैसे बताया कि आप रेस्टोरेंट का कोई क्यू कार्ड, कोई भी ब्यूटी से रिलेटेड कोई भी बात करनी है, द व्यू का सबलाइन, लोकेशन की बात कर रहे हैं, या आप किसी का जैसे पोजेस की मैंने बात की थी, या आप कह रहे हैं फूड के बारे में आपने बात करनी है, कोई फूड है हम कॉमनली कहते हैं यमी टेस्ट इस तरह, तो आप फूड के लिए भी बात कर सकते हैं, द फूड वॉज एब्सोल्यूटली सबलाइन, इस तरह आप यूज कर सकते हैं। या आप इसको एक्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं। समटाइम हम क्या बात करते हैं कि हमें एक से दूसरे को प्रेफर, अपने आप से ज्यादा दूसरों को प्रेफर करना चाहिए। द मोस्ट सबलाइम एक्ट इज टू सेट अनदर बिफोर यू, अब अपने आप से ज्यादा दूसरों की जो है ना वो रिस्पेक्ट करें, दूसरों को फेवर दें। सबलाइम बेसिकली क्या है, एग्जॉल्टेड। इसके अलावा नोबल, इसके अलावा बात कर सकते हैं ऑसम, विच इज गॉर्जियस। इसके अलावा आप एक्सीलेंट, मार्वेलस, सुपर, इसके अलावा आप कह फंटास्टिक या आप फैबुलस, इसके लिए आपको बहुत ज्यादा वर्ड्स मिल जाएंगे। चलो इतने रहने, ये आज हमने फोर वर्ड्स डिस्कस किए जिनमें मोस्टली ज्यादातर स्टैग्नेशन के अलावा बाकी ज्यादा एडजेक्टिव थे। यहां तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछें। नो मैडम। ओके, जी अरसलान आप मुझे बताएं स्टैग्नेशन क्या है। अरसलान मजीद, अरसलान आर यू देयर? फारूख आप बताएं। यस मैडम, स्टैग्नेशन बेसिकली होता है स्टैग्नेंट होना, डिप्रेस होना, इमूवेबल, स्लगिश, वीकनिंग या इनएक्टिव जिसे कह सकते हैं ना, स्टैग्नेशन वो इस सेंस में यूज करेंगे। ग्रेट जी। दानिश आप मुझे बताएंगे सोलिसिटस क्या होता है। सोलिसिटस में मैडम आता है कोई आपके लिए केयरिंग होता है, वरिड होता है, या कोई थॉटफुल। गुड सैयद अजहर आप बताएं स्टेडफास्ट। स्टेडफास्ट मींस के बी ऑन देयर प्रॉमिसेस, अपने एम्स को चेंज नहीं करते, कमिटेड, लॉयल। यस जी अजका आप बताएं सबलाइन। मैम बहुत लाइक हाई क्वालिटी का है या एंजॉयबल, ब्यूटीफुल, एक लोकेशन है वो बहुत पीसफुल है, इडलिक है, तो उसके लिए भी हम यूज कर सकते हैं सबलाइन। डिलाइटफुल इस तरह। उसके बाजू भी आप मुझे बताएंगी सोलिसिटस। कंसर्ट है, केयरिंग है, अट्रैक्टिव है, इंटरेस्टिंग है, थॉटफुल। यस गुड, let's keep this Zoom meeting short and sharp. We should revise the previous words starting with the milieu. Milieu means atmosphere, environment se related hai. Noxious hota hai, koi cheez poisonous hoti hai, uske liye ye word hum use karte hain. Nuance iska matlab hota hai distinction hoti hai, specification hai, genetically distant ho sakta hai. Oblivion hum use karte hain, koi insaan bahut famous personality thi, jaise celebrities hoti hain, achanak se wo gumnami ki surat haal mein chali jati hain, social media se, electronic media se wo gaib ho jaye, to apne kya use karna hai, state of oblivion mein chale gaye hain wo. Obscure hota hai koi cheez hidden hai, clear nahi hai, ambiguity hai usme, aap jise kehte hain unobvious hona, unclear hona us cheez ke liye, to aap kya use karenge, obscure.
यूज होता है जानबूझ के ऐसे रिएक्ट करना कि आपको समझ में नहीं आ रहा, नालायक बनने की कोशिश करना, जानबूझ के इस तरह के एक्सप्रेशंस देने कि आपको किसी चीज की समझ नहीं आ रही। उसके बाद है हमारे पास वर्ड ओपैक। ओपैक होता है नॉन ट्रांसपेरेंट, अनविजिबल, आपको की चीज क्लियरली विजिबल नहीं होती। ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स होता है वो लोग जो अपने बिलीफ बेस टिक रहते हैं, उनके जो पॉइंट ऑफ व्यू उनको चेंज करना काफी मुश्किल होता है। जैसे जिनके बारे में हम कहते हैं ट्रेडिशनल लोग हैं, कंजर्वेटिव हैं, तो वो क्या होंगे? ऑर्थोडॉक्स। और स्टेंसिबल का मैंने आपको बताया था कि ऐसी रीजंस जो फेक हों, उनको अचीवेबल ना हो, रीजनेबल ना हो, रियलिस्टिक ना हो। ऑस्टेंसिबल गोल्स भी हो सकते हैं, ऑस्टेंसिबल रीजंस भी हो सकती हैं। ऑस्टेंटेशियस होता है स्टेटस कॉन्शियस, आप ऑस्टेंटेशियस लाइफस्टाइल के साथ हम मोस्टली यूज करते हैं, शो ऑफ करना अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी वेल्थ को। पैल्पेबल होता है क्लियर, विजिबल होता है, आप उसको टच करके फील कर सकते हैं। जैसे टेंशन है एनवायरमेंट में, रूम में टेंशन है तो वो आप फील कर सकते हैं, तो वो क्या है? पैल्पेबल। पैराडाइम का हम यूज करते हैं, रिसर्च पैराडाइम, रिसर्च पैटर्न होते हैं हमारे पास। पैराडॉक्स होता है एक बंदा एट द सेम टाइम एक उस तरफ भी बात कर दे और उस साइड की बात भी कर दे, दोनों साइड्स पे वो खेलने की कोशिश करें, तो वो क्या कर रहा होगा? पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट दे रहा होगा, पैराडॉक्स होगा वो। पैरोडी होता है आप किसी की कॉपी कर रहे होते हैं, मिमिक करना, मिमिक्री, कॉपी। पार्टिजन, पार्टिजन होता है अडहेरेंट फॉलोअर होते हैं आप किसी के, उसको बहुत ज्यादा फॉलो कर रहे होते हैं। आर्डेंट लवर होते हैं, किसी पार्टी के हो सकते हैं, स्पेशली पॉलिटिशियन से रिलेटेड है, पॉलिटिकल पार्टी के आप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्टर हैं, इंथुजियास्टिक हैं आप उसके लिए, तो आपके यूज करेंगे पार्टिजन। पैट्रनाइज होता है आप जानबूझ के किसी के साथ ऐसे बात करते हैं कि आप उसकी हेल्प इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि आप उस पर तर्स खा रहे हैं, हमदर्दी की वजह से कर रहे हैं। रामिफिकेशन होता है किसी चीज के कॉन्सिक्वेंसेस, इफेक्ट्स, उसके रिजल्ट्स, उसके जो असरात हैं वो किस तरह हो रहे हैं। डिक्लूसिव होता है तन्हा हो जाना, आइसोलेट हो जाना। आजकल बच्चे ज्यादा सोशल मीडिया यूज करते हैं, अपने सोशल लिंक्स अपने सर्कल में डिवेलप नहीं करते, तो वो क्या होंगे? रेक्लूसिव। नेक्स्ट वर्ड है जी हमारे पास रेलीगेट। रेलीगेट होता है आप जॉब कर रहे हैं, आप एज अ मैनेजर थे, आपको डीमोट कर दिया गया, अपनी डिमोशन को हम क्या यूज करेंगे? रेलीगेट। रिपरकशन होता है किसी चीज का नेगेटिव इफेक्ट, एक चीज है दूसरा पे डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट, लेट प्रेस डेट्रीमेंटल इफेक्ट कर दिया, वो क्या होगा? रिपरकशन। रेट्रिक जी, मुझे कौन बताएगा रेट्रिक का मीनिंग? आप लोगों से कौन बताएगा रेट्रिक? एक्सप्रेशन, क्या एक्सप्रेशंस? और कोई एक्सप्रेशन? ये ठीक बताया। रिगुरस, इसका कौन बताएगा? इसका आप बताएं। रिगुरस, मैम फुली डिटेल के साथ कोई काम करना, फुली अटेंशन के साथ, थॉरली, अनकंप्रोमाइजिंग, यस, रोबस्ट, इसका मुझे बताएंगी जुबी, आप बताएं। रोबस्ट, रोबस्ट इंपैक्ट, रोबस्ट इंपैक्ट कौन बताएगा? जी मैं बताऊंगा मैम। रोबस्ट होता है किसी चीज का बहुत पुख्ता होना, बहुत जिसे हम कहते हैं रोबस्ट अरेंजमेंट्स। रोबस्ट इंपैक्ट, एक्चुअली दिस इज वन ऑफ माय फील्ड फॉर द रिस्क असेसमेंट, तो रोबस्ट हम बहुत वर्ड यूज करते हैं ऑफिस में। रोबस्ट होता है सिग्निफिकेंट, किसी चीज का बहुत स्ट्रांग है, बहुत पावरफुल, रोबस्ट इंपैक्ट, उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। शाबाश, रोबस्ट इंपैक्ट। उसके लिए सगेशियस, सगेशियस यूज करते हैं हम, वाइज, ऐसे इंसान जो बहुत ज्यादा समझदार हो उसके लिए सगेशियस पर्सन, ये आप यूज करेंगे। सैल्यूटरी, सैल्यूटरी होता है ये कोई पॉजिटिव सा अच्छा सा यूजफुल इफेक्ट होना, या सैल्यूटरी रिमाइंडर होता है आप लोग एक्सीडेंट से वो चीज अवॉइड करें, अच्छा उसको देखा था, वो सैल्यूटरी रिमाइंडर होता है आपके माइंड में कि ये चीज नहीं करनी, सैल्यूटरी इफेक्ट होता है। सेकुलर होते हैं वो लोग जो किसी मजहब पर यकीन नहीं रखते, एथियस्ट होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सिडिशन। सिडिशन कौन बताएगा? जी मैं बताऊंगा।
सेडिशन होता है कि ऐसा एक्ट व्हिच एक्चुअली इनकरेज टू अपोज द गवर्नमेंट लॉज और समथिंग. यस, आप जानबूझ के एजिटेट कर रहे हैं, ये बेसिकली नाउन है, जैसे मैंने शर्मा लवर्स का बताया था, आप रिवोल्ट के लिए, बगावत के लिए मजबूर कर रहे हैं, इनफ्लेम करना, जैसे रिवोल्ट, म्यूटनी, इस तरह आप इसको यूज कर सकते हैं, रेजिस्ट करना. सर्वाइल, सर्वाइल होता है आप जानबूझ के अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको ख़त्म कर देते हैं और कोशिश करते हैं कि दूसरे बंदे को इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट कर दें कि अपना, जिसे कहते हैं ख़त्म ही कर देना, कि मैं भी हूँ, मैं को ख़त्म कर देना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कम्प्रोमाइज़ कर देना. कभी भी आपकी जॉब जाती है, कुछ भी हो जाता है, कभी भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कम्प्रोमाइज़ ना करें. रिजल्ट देने का वादा अल्लाह ने किया है, आप रिस्पेक्ट बड़ों की ज़रूर करें लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कम्प्रोमाइज़ करके कभी भी किसी के भी रिस्पेक्ट करने की कोशिश ना करें, चाहे वो आपका बॉस हो, कोई भी हो. एक लिमिट में रिस्पेक्ट ज़रूर दें, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हों, लेकिन जो इस तरह सर्वाइवल इस एटीट्यूड की तरफ मूव करें ना, उन लोगों को छोड़ दें. अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दें. इसके अलावा अगर आप लोगों में से किसी ने कुछ पूछना है तो बताएं. एनी क्वेश्चन? मैडम एक रिक्वेस्ट की थी क्योंकि मैं कुछ दिन क्लास नहीं ले सका, कि आपने कहा था कि idioms कुछ और idiomatic expressions वो आपके साथ शेयर किए जाएंगे, आपने कहा था कि मैं लिख रही हूँ, तो वो अगर है कोई 15-20 ताकि हम वो उसको भी जरा एक दफा स्टडी कर लें, 2-4 दफा. जी, उनपे मैं काम कर रही हूँ. जिस तरह ये वोकैबुलरी के वर्ड्स है ना, इसी तरह idioms के भी हैं, ऑलमोस्ट वो कम्प्लीट होने वाले हैं, वो मैं आपको क्लास में करवाऊंगी. मैं आपको उस तरह क्यू कार्ड, जिस तरह राइटिंग में मैं बता रही हूँ ना कि आपने इसको क्यू कार्ड में करना है, टास्क टू में करना है, इसी तरह मैं वो भी आपको बताऊंगी. तो फिर हम डिस्कस करेंगे, वो 1 से 2 वीक में इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएंगे. तो आपके साथ क्लास में भी डिस्कस करूंगी, आपको डेली बेसिस पे करवाऊंगी भी, अगर आपने लेने भी हुए तो वो भी दे दूंगी, लेकिन अभी मैं उन पर काम कर रही हूँ क्योंकि उनके क्यू कार्ड का मैंशन करना, बाकी फाइल कम्प्लीट है. अगर वो सिंपली चाहिए तो वो मैं दे दूंगी, लेकिन अगर आपको मीनिंग्स के साथ, उनके यूजेज के साथ चाहिए तो उसके लिए प्लीज थोड़ा वेट करना पड़ेगा, उस पर काम हो रहा है. राइट मैडम. हेलो मिस सबा. जी वालेकुम सलाम. जी ना बोले, कैसी हैं आप? मिस सबा कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मैं फाइन. मिस सबा, आई जस्ट वांट इफ यू हैव एनी सैंपल राइटिंग जो आपने पहले की हो कभी, लाइक आप भी यूजुअली पेपर दे चुकी हैं गेस, राइट? वंस. जी जी बोले. सो यू टोल्ड मी दैट यू गॉट अ रियल गुड बैंड, सो I want to see your one sample writing. If it is possible for you, kindly share your number and send it to me so that I can study. Is it possible? Yes, sure. मैं मेरे पास शायद इधर डेस्कटॉप पे पड़ा हो, मैं अभी शेयर करती हूँ आपके साथ. Just share any sample, any topic. I just want to see कि how we can use these words, right? Last days में मैंने एक I'll be very thankful and do post किया. And miss, kindly share your number with me also. फोन नंबर, व्हाट्सएप वाला, ठीक है? चलिए इस पे मैं आपसे बाद में बात करती हूँ. दिस वन इज दैट, दिस वन दैट यू आर शोइंग राइट नाउ. यस, ये 8.5 बैंड कैसे है. इसके अलावा मैं एक और भी है, सॉरी मैं रिकॉर्डिंग बंद कर लूँ, एक मिनट.